तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक RGB लाइट, जो कि दोस्तों ये है, और इसका दोस्तों ये प्लस है और ये वाला माइनस। तो इन दोनों दोस्तों जो लेग है इसको हमें छोटा कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो जो प्लस है उसको मैंने बड़ा रखा है और माइनस को छोटा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा शोल्डर, तो मैं जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ शोल्डर। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लाइट में कर दिया है, टोटल 12 पीस में दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए वायर, जो कि मैंने दोस्तों ख़राब डाटा केबल से निकाला है। उसके बाद दोस्तों वायर में हमें 6-6 इंच का एक मार्क लगा लेना है, कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हो। मार्क लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें वायर को फोल्ड करना है, क्योंकि जो LED है उसे हमें दोस्तों 6-6 इंच छोड़ के ही लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हो मेजरमेंट ले लेके, और उसके बाद मार्क लगाते जाना है। इससे दोस्तों इसको फोल्ड करना है और फिर मार्क लगा देना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने मार्किंग लगा लिया है कुछ इस तरीके से, दोस्तों देख सकते हो मोड़ दिया है मैंने वायर को। तो यहाँ पर दोस्तों आप मार्कर के बिना भी यहाँ पर पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर हमें LED लगाना है। तो उसके बाद दोस्तों हमें एक कतर का ब्लेड खोल लेना है, क्योंकि जो इसका ब्लेड है काफ़ी शार्प होता है, तो इसका हमें यहाँ पर यूज लेना है। क्योंकि जो वायर है उसमें एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा हुआ है, तो उसको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा शोल्डर LED लगाने के लिए। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का लेयर उतार दिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें करना पड़ेगा यहाँ पर शोल्डर, तो मैं जल्दी से शोल्डर भी कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ शोल्डर करने के बाद। तो सभी पॉइंट पे दोस्तों शोल्डर लगाने के बाद दोस्तों हमें चाहिए LED, जो हमने कट किया था इसका लेग। तो इसको कुछ इस तरीके से शोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड में मैं लगा लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों प्लस को मैं प्लस में लगाऊंगा और माइनस को माइनस में। जो मैंने दो तो वायर लिया है रेड और ब्लैक, ब्लैक को दोस्तों मैं माइनस में लगा रहा हूँ, और प्लस को दोस्तों जो रेड कलर का वायर है उसको प्लस में लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरा LED भी लिया हूँ, और उसमें भी दोस्तों प्लस माइनस देख के अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया हूँ। पहले लेयर में इसका कनेक्शन करना है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो मैंने सभी LED को कनेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद तो उसी तरीके से दोस्तों मैंने दो तो स्ट्रिप बनाया था यहाँ पर, और दोनों स्ट्रिप का प्लस माइनस देख के मैंने कनेक्शन कर दिया है, क्योंकि जो वायर था दोस्तों वो छोटा था, क्योंकि मैंने इसको डाटा केबल से निकाला है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया है प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। उसके बाद जो हिस्सिंग होता है उसको लगा लिया हूँ, आप चाहो तो टेप भी लगा सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, लाइट को टेस्ट कर लेना है वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर सभी लाइट एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से चेक कर लेना होगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने लिया है एक ग्लू स्टिक, जो कि दोस्तों 11mm का है। तो इसको दोस्तों मैं 4-4 सेंटीमीटर पे कत लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी कत लगा लेना है जितना आपने LED यहाँ पर यूज किया है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसका कत लगा रहा हूँ दोस्तों 4-4 सेंटीमीटर, आप चाहो तो जितना आपका मन उतना रख सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर कत कर लिया है स्टिक को। तो उसके बाद दोस्तों जो LED है उसको इसके अंदर लगाना है, तो सोल्डरिंग आयरन के मदद से हमें इसको गर्म करके पिघला लेना होगा, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा LED है उसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से चिपक जाएगा। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर और भी ग्लू लगा लिया है ऊपर से, जिसके मदद से दोस्तों इसका वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और खींचने पे खींचेगा नहीं। तो चलिए इसका टेस्टिंग मैं कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें टेस्टिंग करने के लिए डाटा केबल लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट बैटरी से भी चला सकते हो, तो मैं यहाँ पर डाटा केबल ले रहा हूँ, ख़राब डाटा केबल, जिसके मदद से मैंने दोस्तों इसके अंदर जितना भी वायर लगाया है ख़राब डाटा केबल से ही निकाला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमें प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये रेडी हो चुका है, तो मैं पावर बैंक में लगा लेता हूँ इसका USB डाटा केबल। तो देख सकते हो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है सभी LED, और काफ़ी ग्लो भी कर रहा है दोस्तों ये।
तो कैसा लगा ये वाला प्रोजेक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुधोक लाइक लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं सुधोक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।